तो दुबई में लाखों की सैलरी छोड़कर विलस शाह ने गुजरात अहमदाबाद वटवा विधानसभा क्षेत्र में झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अहमदाबाद के बटवा विधानसभा में सर्वोदय ग्रुप्स ने शिक्षा अभियान चलाया है। सात दोस्तों ने मिलकर सर्वोदय नाम की संस्था की शुरुआत की। शुरुआत में इस ग्रुप ने अपने आसपास के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया और फिर अब कई सेंटर्स चल रहे हैं जहां अब तक 700 बच्चे मुफ्त में शिक्षा पा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि हमें यहां पर मुफ्त शिक्षा मिलती है जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। विराट शाह का कहना है कि मैंने गरीबी नजदीक से देखी है, गरीबी कैसा होता है मुझे पता है, इसलिए मैंने लाखों का वेतन छोड़कर बच्चों की पढ़ाई करवाने में मैं लग चुका हूं। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और हमारे देश का भविष्य हमें सबको मिलकर बनाना है। शुभ नाम आपका? कुरैशी अंजुम अभी भाई। कुरैशी बहन नाम है? अंजुम नाम है। अंजुम नाम है आपका, कुरैशी है आप, अंजुम नाम है। और घर में कौन कौन है? बहन है, भाई है, मम्मी है। ओके ओके। और आप कौन सी आगे पढ़ते हैं कि फिर? नहीं बस दस पढ़ाते हैं घर पे। तो ये हैं यहाँ की टीचर हैं, आप देख सकते हैं सब बच्चे एक दूसरे को समझ रहे हैं क्योंकि जब तक मीडिया पहुंचा है, रफ्तार न्यूज पहुंचा है, तो यहाँ पर एक एक करके पढ़ रहे हैं। यहाँ सबकी देखें तो देखिए आप, यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, सब लोग अपनी अपनी पानी की बोतल लेके आते हैं घर से, बच्चा पी रहा भी है, देखिए आप बोतल पानी का। और इतना छोटा बच्चा है, बेटा कितलू बनो छो? कितलू बनो छो तबे? कितलू बनो छो? पहला में बनो छो। शू नाम छे? काश। काश बच्चा बोलता है पहली कक्षा में पढ़ रहा है और उनका नाम बताया, ताश बताया है, विकास बताया नाम अपना। और ये अभी शुरुआत हुई है लेकिन ये भी आगे जाके, तो ये गुजरात शिक्षा मॉडल है, यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। और कल से तमाम प्रमाण जो अखबार है गुजरात के टॉप लेवल के जो अखबार है वो उसमें न्यूज छपी, तो हमने भी कहा कि हमने भी अपना फर्ज अदा करते हुए यहाँ पर ग्राउंड जीरो से आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं, एक एक बच्चे से आपकी बातचीत करवा रहे हैं कि बच्चा वहाँ सरकारी स्कूल में तो पढ़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ यहाँ सर अगर उनको मुफ्त में शिक्षा मिलती है तो यहाँ पर ट्यूशन आता है और यहाँ पर बिल्कुल एकदम फ्री है। ये एकदम जो एरिया बताया है तो भले शहरी विकास है लेकिन यहाँ पर जो मजदूर विभाग है वो बहुत ही एकदम मजदूर विभाग ज़्यादा रहते हैं। लोग कहते हैं ना कि एक तो बच्चा जिससे मैंने बात की ना, जो बात एक्टिविटी हो गई है, और एक बच्चे ने तो ये भी कहा कि मैं उसका पिताजी है वो रिक्शा ड्राइवर है, यानी ऑटो चला रहा है, ऑटो चालक है, उसका बच्चा पढ़ रहा है, तो ये भी बहुत है। लेकिन जो लोग शिक्षा का काम करते हैं बहुत अच्छा ही काम करते हैं, उनको सुबह शाम पढ़ाई होती है और यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। और आप कुछ कहना चाहेंगे तो संचालक है, अपने बारे में कुछ बताएं, आपने किस तरह का ये शिक्षा मॉडल शुरू किया? प्रार्थना शुरू हो चुकी है हम जी। मारू नाम विराट शाह जी। विराट जी, हाँ। आपने किस तरह की ये प्रेरणा लेकर, आपको क्या लगा कि मेरे को गुजरात में आना, आप जब हमने अखबार पर खबर पढ़ा तो आप बॉम्बे से रिटर्न आए हुए हैं? नहीं, मैं दुबई से रिटर्न आया हूँ। हाँ, वहाँ पे काफी अच्छा पैकेज था मेरा, 3-3.5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी थी। 3 लाख रुपया आपका पैकेज था, छोड़कर अपने वतन में फिर आए और आपको लगा कि? हाँ नहीं, वहाँ पे जाने का मकसद भी वही था क्योंकि मुझे 60 साल तक जॉब नहीं करनी थी, तो मुझे कुछ मेरे फैमिली के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मैं जॉब के लिए ही बाहर गया था। मेरा कोई इरादा वहाँ बाहर जाने का भी सेटल होना नहीं था, तो प्लान करके ही गया था कि मुझे 4-5 साल बाहर जॉब करनी है, उसके बाद यहाँ पे आके कुछ ऐसा ही कुछ काम करना है। वैसे क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है, लेकिन कुछ सोशल वर्क करना है उतना था और मेरा ये पैसन ही था। एक दिन मैंने मेरी बच्ची को छोड़ने के लिए गया था फुटपाथ पे, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। इंक्वायरी किया तो पता चला कि वो बच्चे स्कूल में नहीं जाते, तो वहाँ से मैंने वही बच्चों से पढ़ाने की शुरुआत की और धीरे धीरे बहुत काफ़ी लोगों का फुटपाथ से भी सपोर्ट मिला और मेरे ग्रुप से भी सपोर्ट मिला और आज रिज़ल्ट आप सबके सामने है कि 4 बच्चों से मैंने चालू किया था फुटपाथ के पढ़ाने का, आज करीब 120-130 बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग सेंटर में और आज तक करीब 1200-1250 बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे अलग अलग सेंटर पे।
तो ये कह रहे हैं कि भाई का कहना है कि उनकी दुबई में जॉब थी, 3.5 लाख रुपए का पैकेज था, लेकिन उन्होंने कौन सी क्लास में और कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर सरकारी स्कूल में किस तरह का पढ़ाया जाता है? रात इन्हें सब पढ़ाया जाता है। कैसा पढ़ाते हैं, मतलब आपको वहाँ कुछ सिखाई मिल, मतलब वहाँ पर ज़्यादा अच्छी सीखने को मिलता है यहाँ पर सीखने को? यहाँ पर अच्छा सीखने को मिलता है, वहाँ पर अच्छा नहीं मिलता? वहाँ पर भी अच्छा मिलता है, बन जाता है यहाँ पर। वहाँ पर भी अच्छा मिलता है, ठीक है, यहाँ तो एकदम फ्री है। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा ने, हम चार भाई। आप चार भाई हैं, और भाई क्या करते हैं? आपके और भाई क्या करते हैं, पढ़ते हैं? कितने आपसे बड़े हैं? खाली मेरे से बड़ा है। साथ में एक भाई पढ़ता है आपका? ओके ओके। कहाँ रहते हैं? चार माले में रहते हैं। आपने कहा कि चार भाई हैं, एक भाई आपके साथ में पढ़ रहा है, यहाँ बगल में ही रहते हैं। अच्छी शिक्षा, यहाँ पर क्या सीखा आपने विशेष आकर? गुजराती इंग्लिश में सब सीखते हैं। गुजराती हिंदी और सब इंग्लिश भी सीख रहे हैं आप? यहाँ कुछ मतलब और कुछ चीज सीखने को मिल रही है? बढ़िया ना, सब सिखाते हैं यहाँ पर, सब सिखाते हैं। और क्या बनेंगे आगे जाके? पुलिस बनेंगे। क्या बात है भाई, ये देश का नौजवान है और देश का भविष्य है, ये बता रहे हैं कि मैं आगे जाके पुलिस बनूंगा। और देश की सेवा करोगे ना, पुलिस बनोगे। आपको पता है शिक्षा कैसे मिलती है? अभी आपको शिक्षा के लिए रोड पे बैठ के पढ़ना पड़ता है, तो याद रहेगा ये? याद रहेगा ना आपको?